बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। कंप्यूटर का आज हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है, विच इज़ डेटा टाइप्स असाइनमेंट्स एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी इस यूनिट में हम डेटा टाइप्स को स्टडी करेंगे कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स यूज होती हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स अब हमारे पास अल्फाबेट डेटा टाइप भी हो सकती है, न्यूमेरिक हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है। ठीक है, यानी जितनी भी डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। इसके बाद डिफरेंट जो है हम स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, जिस स्टेटमेंट में, फॉर एग्जांपल, हम किसी स्टेटमेंट में इनपुट दे रहे होते हैं अपने प्रोग्राम को, किसी स्टेटमेंट में हम अपने प्रोग्राम से आउटपुट ले रहे होते हैं, ठीक है, और किसी स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जिस स्टेटमेंट में हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे उसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यूनिट नंबर 2, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 13 पे आपका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है किसी भी यूनिट का, यहाँ पे हम बेसिक लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन आपने अंडरलाइन करना है, अच्छे तरीके से रीड करना है, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख लें कि बेसिक लैंग्वेज वॉज डिवेलप्ड बाय जॉन कैमेने एंड थॉमस कर्ट्ज़ इन 1963। अब आप इसको जो है अंडरलाइन कर लें, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, इट वॉज इन्वेंटेड एज एन इंस्ट्रक्शनल टूल टू टीच फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स टू स्टूडेंट्स। इट वॉज डिवेलप्ड टू एड्रेस द कम्प्लेक्सिटी इश्यूज ऑफ ओल्डर लैंग्वेजेस। GW बेसिक इज एन इंटरप्रेटर फॉर बेसिक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक बेसिक लैंग्वेज है। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज को यूज़ करके हम अपना कोई भी प्रोग्राम राइट करेंगे, तो उसको रन करने से पहले, कोई भी आप प्रोग्राम जब हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करते हो तो उसको कंप्यूटर के ऊपर रन करने से पहले आपको उसे बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करना होता है। आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए जिस लैंग्वेज में भी हम अपना प्रोग्राम राइट करेंगे, हमें कंप्यूटर पे रन करने से पहले उसे बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बेसिक लैंग्वेज को यूज करके हम अपना प्रोग्राम अगर राइट करेंगे, ठीक है, तो उसको रन करने से पहले हमें उसको चेंज करना है ना। ठीक है, तो GW बेसिक एक्चुअली एक इंटरप्रेटर है। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, तो GW बेसिक जो है वो बेसिक लैंग्वेज में जो प्रोग्राम राइट हुआ हुआ होगा उसको बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज GW बेसिक, तो आपने बताना है GW बेसिक इज एन इंटरप्रेटर फॉर बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, देयर आर मेनी अदर ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स फॉर बेसिक फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स सच एज क्यू बेसिक। अब क्यू बेसिक क्या है, ये भी एक जो है ना ट्रांसलेटर है। ठीक है, चाहे वो इंटरप्रेटर भी हो सकता है या फिर वो कंपाइलर भी हो सकता है। ठीक है, तो क्यू बेसिक, क्विक बेसिक विच प्रोवाइड अ मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट टू राइट एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम्स। ठीक है, हियर वी शैल रेफर टू ओनली GW बेसिक बिकॉज इट प्रोवाइड अ सिंपल एंड ईजी टू यूज एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पे यानी बहुत सारे जो है ना कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर है फॉर बेसिक लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे हम GW बेसिक को इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ईजी और सिंपल टू यूज है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन कौन से होते हैं। टॉपिक नंबर 2.2 है मोड्स ऑफ ऑपरेशन। तो बेसिक लैंग्वेज में हमारे पास जो है ना GW बेसिक जो है इंटरप्रेटर, ये एक्चुअली 2 मोड्स में जो है ना वर्क करता है। एक तो डायरेक्ट मोड होता है और दूसरा इनडायरेक्ट मोड होता है। ठीक है, डायरेक्ट मोड देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड, व्हेन GW बेसिक इज लोडेड इट शोज ओके मैसेज, एट दिस स्टेज इट इज इन डायरेक्ट मोड। इन डायरेक्ट मोड GW बेसिक कमांड आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप, रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी डिस्प्ले इमीडिएटली बट द कमांड देमसेल्व्स आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे अगर फिगर 2.1 में आप देखो
तो जैसे ही आपकी जो है ना आप बेसिक जीडब्ल्यू बेसिक को आप ओपन करोगे ना, तो वो जब लोड हो जाएगा उसके बाद आपको ओके मैसेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर फर्स्ट आप लाइन में देखो तो ओके मैसेज लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपने लिखा प्रिंट 786/3। तो जैसे ही आपने अपनी कमांड जो है वो राइट की है, उसका रिजल्ट नीचे आ गया है। ठीक है, उसके बाद फिर उसने ओके टाइप किया, नेक्स्ट आपने लाइन लिखी प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक। जैसे ही आपने ये कमांड राइट की वेलकम टू GW बेसिक, नेक्स्ट लाइन पे आपको उसका रिजल्ट मिल गया है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि डायरेक्ट मोड में जैसे जैसे हम कमांड्स जो है वो टाइप करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें उसका रिजल्ट मिलता जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो हम कमांड टाइप करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा, तो फिर क्या होगा कि वो कमांड जो है वो रिमूव हो जाएगी, उसको हम बाद में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अगर आपने बाद में भी वही कमांड यूज करनी है, ठीक है, जिसका आप पहले रिजल्ट ले चुके हो, तो आपको वो अगेन से टाइप करनी पड़ेगी, वो आपके पास पहले से सेव नहीं होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट मोड का ये होता है कि हमारे पास जो कमांड्स हम राइट करते जाते हैं वो एग्जीक्यूट होती जाती हैं। ठीक है, मतलब हमें उनका रिजल्ट मिलता जाता है। ठीक है, लेकिन वो कमांड्स जो है इटसेल्फ वो सेव नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास इनडायरेक्ट मोड होता है। तो इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट मोड में मैंने कमांड्स का वर्ड यूज किया था, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट का वर्ड यूज करूंगी। ठीक है, डायरेक्ट मोड में हमारे पास कमांड यूज होती है, लेकिन इनडायरेक्ट मोड में हमारे पास स्टेटमेंट्स यूज होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम राइट करते हैं, राइट करने के बाद उसको पहले सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद हम उसको रन कर रहे होते हैं। इस तरह पे जो इनडायरेक्ट मोड में हमारे पास प्रोग्राम होता है उसको अगर हम बाद में यूज करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास सेव होगा, उसको हम बाद में वहीं से यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे क्या होगा, हम पहले उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव अगर हुआ हुआ है तो पहले से, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसको पहले लोड करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी जो है ना प्रोग्राम है वो अगर आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर पड़ा हुआ है तो वहां से आप उसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रैम में यानी मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। ठीक है, मेन मेमोरी में जब आप उसको ले आओगे तो वो वहां से एग्जीक्यूट करेगा, वहां से रन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको लोड करोगे मेन मेमोरी के अंदर, वहां से आप रन का ऑप्शन यूज करके अपने प्रोग्राम को जो है वो रन करोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप फिगर 2.2 में देखो तो इधर भी ओके का मैसेज आया, जब बेसिक लैंग्वेज की सारी फाइल्स जो है वो लोड हो चुकी हैं तो ओके का मैसेज आया। उसके बाद यहाँ पे एक तो कमांड और स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या होगा, कमांड एक तो डायरेक्ट मोड में यूज होगी और दूसरा ये कि उसका कोई लाइन नंबर नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर फर्स्ट पे आपने देखो प्रिंट की 786/3 किया था और नेक्स्ट पे आपने प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक किया था, तो इस पे आपने कोई जो है ना लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 कोई नंबर नहीं दिया था, कोई सीक्वेंस नहीं था। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट मोड में जहाँ पे आप स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हो वहाँ पे आप देखो तो इधर बाकायदा जो है ना वो लाइन नंबर गिवन है 10, 20, 30। ठीक है, तो पहले आपने अपना सारा प्रोग्राम राइट कर लिया, राइट करने के बाद आप उसको सेव करोगे, सेव करने के बाद आप उसको रन करोगे, तो रन करने के बाद आपको डायरेक्ट जो है ना वो तीनों स्टेटमेंट्स के आंसर मिलेंगे। डायरेक्ट मोड में क्या हो रहा था, जैसे जैसे आप कमांड राइट करते जा रहे थे आपको उसका आंसर मिलता जा रहा था, लेकिन इनडायरेक्ट मोड में क्या होगा कि आप पूरा प्रोग्राम राइट करोगे, उसको सेव करोगे और इकट्ठा उसको रन करोगे। ठीक है, तो आपको उसका आंसर भी इकट्ठा ही मिलेगा। यहाँ पे GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन विच आर ऑपरेटेड इन द डायरेक्ट मोड। ठीक है, मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट मोड में आप कमांड्स यूज करते हो, दे डू नॉट रिक्वायर अ प्रीसीडिंग लाइन नंबर, यानी इनका कोई लाइन नंबर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट GW बेसिक स्टेटमेंट आर रिटन एज अ प्रोग्राम एंड ईच स्टेटमेंट इज प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप इनडायरेक्ट मोड में यूज करोगे और बकायदा जो है ना इनका लाइन नंबर पहले आप राइट करोगे, उसके बाद आप अपनी स्टेटमेंट को राइट करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसको रीड करना है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है ना राइटिंग प्रोग्राम इन GW बेसिक, ये आपने ऐसा करना है, बल्कि ये जो टॉपिक 2.3 है, 2.3.1 क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम, नेक्स्ट लोड द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम,
आपने इसको राइट करना सॉरी रीड करना है, ठीक है, थारोली आप इसको स्टडी करेंगे, होप सो आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल कि हम उसकी फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, प्रोग्राम राइट कैसे करेंगे, उसको सेव कैसे करेंगे। सेव आपको पता है, ठीक है, या तो आप सेव कमांड पे क्लिक करोगे या फिर जो है ना अगर कीबोर्ड से शॉर्टकट की आप यूज करना चाह रहे हो तो F4 आप जो है ना करोगे, प्रेस करोगे तो आपका जो प्रोग्राम आपने राइट किया हुआ होगा वो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव करने से पहले आप उसको एक वैलिड नेम दोगे, ठीक है, वैलिड नेम देने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो वो आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, और क्रिएट कैसे करोगे, सिंपल आप एक न्यू फाइल ओपन करोगे, फाइल ओपन करने के बाद क्योंकि आप यहाँ पे प्रोग्राम राइट कर रहे हो ना, इनडायरेक्ट मोड पे काम करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लाइन नंबर दोगे, लाइन नंबर जो है ना वो 0 से 6 5 5 2 9 की रेंज में होना चाहिए, ना 0 से लेस, यानी आप माइनस में लाइन नंबर नहीं दे सकते और ना आप जो है ना 6 5 5 2 9 से ऊपर की लाइन नंबर दे सकते हो, यानी 0 जो है मिनिमम लिमिट है और दूसरी जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, तो लाइन नंबर इस रेंज के दरमियान में होना चाहिए। नेक्स्ट, हर स्टेटमेंट के अंदर आप कितने करेक्टर राइट कर सकते हो, ठीक है, तो आप 0 से लेकर 255 करेक्टर, यानी टोटल 255 करेक्टर आप राइट कर सकते हो, उससे ज्यादा के राइट नहीं कर सकते। दूसरा ये कि लाइन नंबर का जो सीक्वेंस है वो मैटर करेगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने बताया कि 45 लाइन जो है बाद में कर देते हो और 60 लाइन पहले कर देते हो तो हमेशा पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 45 एग्जीक्यूट होगी, बेशक वो बाद में लिखी हुई है लेकिन हमेशा सीक्वेंस वाइज लाइन नंबर जो है ना वो एग्जीक्यूट होते हैं। इसी तरह से लोड द प्रोग्राम, यानी पहले आपने प्रोग्राम सेव कर लिया, उसको अब आपने एग्जीक्यूट करना है तो लोड करना पड़ेगा, लोड के लिए आप या तो लोड कमांड यूज करोगे या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की F3 प्रेस करोगे, ठीक है, तो वो आपका जो है ना लोड हो जाएगा। लोड करने के बाद आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट लोड जब आप करोगे तो वो स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज से आपका मेन मेमोरी में आ जाएगा, जब मेन मेमोरी में आ जाएगा तो आप वहां से उसको सिंपल रन की जो है ना कमांड यूज करोगे या फिर F2 प्रेस करोगे तो वो आपका एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको स्टडी करना है, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो शॉर्टकट कीज बताई गई हैं इनको आपने जो है ना याद रखना है, फिंगर टिप्स पे आपको पता होनी चाहिए कि F2 एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है, F3 लोड करने के लिए यूज होती है और F4 जो है वो सेव करने के लिए यूज होती है, क्योंकि ये MCQs में पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसको स्टडी करना है अच्छे से, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। मजीद अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम नेक्स्ट टाइम जो है ना लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।